उड़ारिया में हमने देखा कि जैस्मिन अब भी बदले की आग में तड़प रही है, यहाँ वहाँ जासूसी करती फिर रही है। अभी तक तो सिर्फ स्वीटी किसे जासूसी करवा रही थी, पर अब वो खुद ही मिशन पर निकल चुकी है और जा पहुँची है अंगद के मैनेजर के पास और पूछताछ करना शुरू करती है। वहीं मैनेजर अंगद का कुछ नहीं बताता है, कुछ भी उसके हाथ नहीं लगता है जैस्मिन के वहाँ भी, और उसका मास्क गिर जाता है वहाँ पर और अंगद का मैनेजर उसे देख लेता है। और वहीं एक नया शक पैदा हो जाता है जैस्मिन के मन में कि कहीं फतेह तेजो के पास तो नहीं, कहीं अंगद तेजो और फतेह को मिलाने में तो नहीं लगा हुआ है। और वहीं दोस्तों अंगद तेजो को फिर से इंगेजमेंट वाली रिंग पहना देता है। उसके पीछे वजह सिर्फ यही है कि अगर लोग पूछे तो हमारे पास कुछ जवाब देने के लिए, कुछ उनका मुँह बंद करने के लिए कुछ हो। और वहीं जैस्मिन भी VIP ट्रीटमेंट वाली आदत अभी तक गई नहीं है, उसका सब कुछ चला गया है, अब भी उसे VIP ट्रीटमेंट की ही पड़ी है। वहीं होटल का मैनेजर जैस्मिन को बोलता है कि आप बिल पेमेंट कर दीजिए वरना कमरा खाली कर दीजिए कल तक। जैस्मिन फिर इन सब का जिम्मेदार फतेह को ही मानती है और वहीं फतेह कुछ लोगों से मारपीट करते हुए दिखाई पड़ता है और फिर वहां से भागता दिखाई देता है और फिर वहां उसे तेजो दिखाई देती है। अब क्या सच में फतेह को तेजो मिलती है या फिर फतेह का सिर्फ ये धोखा है? देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना।